नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। आसेंदूर शहर में जिले में किल कोरोना अभियान के तहत आगामी 15 जुलाई तक जिला प्रशासन चलाएगा कैंपेन, जिसको लेकर शहर में हुई आवश्यक बैठक। इंदौर शहर के रविन्द्र नाट्यगृह में बुधवार को डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, निगमायुक्त सुश्री प्रतिभा पाल सहित प्रशासनिक मकाम में ये तमाम आला अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग वन निगम कर्मियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कील को कोरोना कैंपेन चलाया जा रहा था। इस संबंध में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अभी तक बुखार में बड़ा प्रारंभिक लक्षण माना जाता था कोरोना के होने के मामले में। अगर पिछले 2 महीने में किसी को बुखार हुआ तो शायद उसके दिमाग में पहला सवाल एक आशंका होती थी कि कोरोना संक्रमित नहीं हो, लेकिन अब हम जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है और इस मौसम में सामान्य तौर पर डेंगू और मलेरिया एक बड़ी बीमारियाँ हैं जो कि हर साल लाखों लोगों को होती है। ऐसे में अंतर पैदा कर पाना, लोगों के बीच में भ्रम को दूर कर पाना, ठीक ढंग से सर्वे कर पाना, ये बड़ा आवश्यक है और इसके लिए अभी किल कोरोना जो अभियान आज से शुरू किया गया है, यह इस लड़ाई का एक दूसरा चरण है, जिसमें मुख्य तौर पर पुलिस के जवान भी रहेंगे। अभी जो प्रारंभिक है इसमें सार्थक एप्लीकेशन के माध्यम से जो आशा कार्यकर्ता है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इसमें सर्वे करेंगे, साथ साथ में पुलिस के जवान भी रहेंगे और उद्देश्य होगा कि हर व्यक्ति को प्रारंभिक लेवल पर सर्वे किया जाए, उसे जागरूक किया जाए, उसे एक सामान्य जो बुखार है जो कि एक सिर्फ बुखार हो सकता है और एक कोरोना से संक्रमित बुखार जिसमें इस बात की संभावना ज़्यादा है, वो सर्दी खांसी से युक्त होगा, इन चीज़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया जाए ताकि हमारी जो अगली लड़ाई का जो दूसरा चरण है वो भी उसमें मजबूती से आगे निकल सके। सर, सुरक्षा की दृष्टि से रहेंगे जवान या कि उसमें असिस्ट भी करेंगे? सर, उसमें असिस्ट करेंगे, उनको अगर कोई ज़रूरत होगी, उनको किसी भी तरह की अगर मदद की ज़रूरत हो उसको करेंगे, या फिर जहाँ वो कहेंगे वहाँ लोकल थाने से लोग जाएंगे। पूरी प्रक्रिया में उद्देश्य है कि पूरी टीमें, सारी जो प्रशासनिक प्रतिनिधि है, पुलिस की प्रतिनिधि है, इस लड़ाई के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।